तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। इसमें खाली हमें थोड़ा उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें पढ़ पढ़ के उनके आंसर देने हैं, लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना। बहुत इजी है यार ये चैप्टर एक्सरसाइज 5.1। अब देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से ये चार क्वेश्चन दे रखे हैं हमें इनमें, और बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है, और एपी है तो क्यों है हम ये भी बताएंगे। तो हम एपी क्यों है ये भी बताएंगे और कौन सा एपी नहीं है ये भी बताएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए कहना क्या चाहते हैं, मैं क्वेश्चन को आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप ऑटो में जाते हैं, कभी आप ऑटो में बैठते होंगे तो आप देखते होंगे कि भाई ऑटो में जो मीटर है उसमें आपके फेयर में क्या है 25 रुपीज, बैठते ही वो ऑन जब करते हैं ना 25 रुपीज पहले ही लिखा रहता है, पहले लिखा रहता है 25 रुपीज, ठीक है। उसके बाद जब आगे बढ़ते रहते हैं हम, आप किलोमीटर बढ़ते हैं कि हाँ 1 किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर हो गया, तो फेयर जो आपका धीरे 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 बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये जो टैक्सी है उसमें जो टैक्सी फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर का कितने रुपए ले रहा है 15 रुपीज। देखिए कितने रुपए ले रहा है 15 रुपीज। फिर कह रहा है कि अब जो मैं आगे आगे किलोमीटर चलूंगा, जैसे अगले पहले किलोमीटर का कितना लूंगा मैं 15 रुपए, कितना 15 रुपीज। अब जो आगे किलोमीटर चलूंगा मैं हर किलोमीटर का 8 रुपीज एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं आपको करवा के दिखाता हूं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है जो टैक्सी फेयर है, समझ आ रहा है आपको, ध्यान से समझिए, मैथमेटिक्स बहुत इजी है। जो टैक्सी फेयर है फॉर, ठीक है ध्यान से, फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 15, कितना बोल रहा है द टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपीज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो नेक्स्ट किलोमीटर अब चलता जाएगा उसमें मैं 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपीज 8 रुपीज में जोड़ता चलूंगा, ठीक है। तो देखिए टैक्सी फेयर सेम, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना लेगा ये 15 रुपए तो लेगा ही, प्लस 8 रुपए और ले लेगा, है ना, 8 रुपए मतलब 8 रुपीज और एडिशनल लेगा, तो ये कितना हो गया हमारा 23, है ना। अब सेम टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर कितना लेगा 23 में दोबारा 8 रुपीज, 8 रुपीज एडिशनल लेगा कि नहीं लेगा, दोबारा लेगा, तो ये कितना हो गया हमारा 31 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है, पहले उसने 15 रुपए लिए, फिर उसने अगले किलोमीटर में 8 रुपए जोड़ दिए, फिर अगले किलोमीटर में 8 रुपए जोड़ दिए। तो अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, एक एपी की सीरीज ही फॉर्म कर रही है ये। जैसे आप देखिए एपी क्या होता है, एपी की खास बात क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसमें क्या दे रखा है, पहला क्या है नंबर हमारा 15, फिर कितना हो गया हमारा 23, ध्यान से देखिएगा कितना हो गया हमारा 23, अब अगला जो है हमारा 31, फिर 8 रुपए जोड़ेगा वो फोर्थ किलोमीटर में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 39, तो और ये सोन चलता चलेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये एपी ही है, और हमें ये हमें प्रूव भी करना है, इस क्वेश्चन में ये भी बोला था ना कि क्यों है एपी ये भी बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है, अगर किसी सीरीज में मैंने बताया आपको कि किसी सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो नंबर्स की सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो एक एपी फॉर्म करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हम डी निकालेंगे, इसका डी क्या है, क्या फॉर्मूला था, ए टू माइनस ए वन, जरूरी नहीं है ए टू माइनस ए वन करेंगे, हम ए फोर माइनस ए थ्री भी कर सकते हैं, ए सिक्स माइनस ए फाइव भी कर सकते, कोई भी टर्म उसमें से पिछली टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा। तो देखिए ए टू कितना है हमारा 23, माइनस ए वन कितना है हमारा 15, है कि नहीं, अब माइनस कर दीजिए कितना है हमारा 8, तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया हमारा 8, तो हम बोलेंगे इट इज एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस 8, इट इज, ध्यान से देखिए, एंड ये आपको चीजें सिखा चुका हूं मैं,
ये सारी चीजें तो अभी बताई थी, यही चीजें हमें लिखनी है खाली, ज्यादा कुछ करना थोड़ी है। मतलब बहुत इजी है यार, अगर आप ध्यान से देखें तो एपी चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 8, ये आपका हो गया आंसर। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब देखिए क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, ये बोल रहा है एक सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है, क्या है, हवा, ठीक है। कह रहा है कि अगर मैं उसको पंप करता हूं ना, तो पंप करता हूं तो 1/4 क्या है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, उसको मैं एक बार पंप करता हूं तो 1/4 जो है उसका एयर वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम ये क्वेश्चन को करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है यार, मैथ से इजी तो कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखो। अगर आप इंटरेस्ट लो तो, इंटरेस्ट लूज हो जब मैथ्स के साथ यार यही प्रॉब्लम है, अगर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होगी यार। आप सबसे इजी चैप्टर में भी क्या करेंगे ना, अरे यार मैथ्स है यार ये, मतलब नाम से ही मैथ्स है यार ये, कैसे करूंगा यार मैं ये, समझ रहे हो आप, ऐसे ही होता है यार। और ये गलती आपकी नहीं है, सबके साथ ही ह्यूमन नेचर है यार, कोई भी चीज अगर हम डिसलाइक करने लग जाते हैं तो उसके किसी भी पार्ट से हमें बुरा ही लगता है कि यार ये क्या है, मतलब इससे तो दूर ही रहना है ना, ये हमें पसंद ही नहीं। अब मैथ से थोड़ा यार, थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ, थोड़ा प्यार करो, ठीक है मैथ से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं, क्या बोला उसने, देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोला है कि एक सिलेंडर में हवा है, एयर है, उसे हम पंप करते हैं तो 1/4 जो है हमारा रिमूव हो जाता है। तो मान लीजिए जो एयर प्रेजेंट है, हम ले लेते हैं एयर प्रेजेंट है वो है 64 लीटर, मान लिया मैंने, कितना मान लिया 64 लीटर। अब क्या रहा है इसका 1/4 जब भी मैं फर्स्ट पंप करूंगा, ठीक है, तो 1/4 जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो 64 का 1/4 निकालिए पहले, तो 64 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, इसे काट दीजिए, 4 1 4 2 यहां चला गया 24, तो 4 6 24, समझ आया आपको कितना आया 16, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम पंप जब करूंगा मैं वैक्यूम को, तो कितना आएगा हमारा 64 माइनस 16 हो जाएगा, मतलब इतना इतना एयर था, 64 लीटर था हमारे पास एयर, उसमें से हमने 16 लीटर हमने रिमूव भी तो कर दिया ना, 1/4 तो रिमूव कर दिया फर्स्ट टाइम पंप किया, तो अब कितना बच गया 64 माइनस 16, कितना आएगा आपका, देखिए 64 माइनस 16। मैं आपको हर एक चीज इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है यार, मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आप देखिए 4 में से 6 जा नहीं सकता, हमने कैरी लिया 1/14 में से 6 गया, कितना आया 8, 5 में से 1 गया, एक कैरी दे दिया था हमने तो 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, तो कितना है हमारा 48 लीटर जो है हमारा बच गया, तो कितना आया फर्स्ट पंप के बाद 48 लीटर, समझ आया आपको। अब देखिए अब जब सेकेंड टाइम पंप करूंगा तो क्या करूंगा, 48 लीटर तो था ही, अब 48 का 1/4 निकालूंगा ना, हर चीज का 1/4 जा रहा है हमारा, मतलब अब इतना बचा हुआ, अब दोबारा करूंगा तो इसका 1/4 चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अब इसका निकालिए। अब जैसे मैं ये इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लेना पॉज करके, ध्यान से देखना बहुत इजी चैप्टर है। अब देखिए 48 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इतना रिमूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम, देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब डिवाइड कीजिए, 1/4 1 4 2 कितना आया हमारा 12 लीटर, ठीक है। 12 को मैं किससे करूंगा, इससे माइनस करूंगा ना, अब सेकंड टाइम पंप किया तो 48 लीटर था, इसमें से 12 लीटर दोबारा माइनस हो गया, 48 लीटर था इसमें से 12 लीटर दोबारा माइनस हो गया, तो 48 में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आया हमारा 36 लीटर, समझ आया आपको। देखा कितना इजी है यार, इतना इजी है मैथ्स,
अब चैप्टर इजी है मैथ्स का, मेरे साथ पढ़ोगे बहुत मजा आने वाला है। अब देखो कितना आ गया हमारा 36 लीटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं इसकी सीरीज बनाते हैं, ठीक है। सीरीज बन क्या रही है नंबर्स की, पहले था 64, था कि नहीं, पहले 64 लीटर हम मान के चल रहे थे ना, 64 था, उसके बाद कितना हो गया हमारा 48, उसके बाद हो गया हमारा 48, उसके बाद कितना हो गया हमारा 36, उसके बाद हो गया हमारा 36, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। चेक कैसे करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस निकाल के, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। देखिए A2 कितना था हमारा 48 माइनस 64 कितना है हमारा, 64 में से 48, देखिए माइनस कीजिए, 64 में से 48 हम माइनस कर देंगे, 14 में से 8 गया कितना आया 6, और 5 में से 16, यहां क्या है हमारा, लेकिन माइनस का 16 आया, क्यों, क्योंकि 64 बड़ा नंबर है, उसके साथ जो साइन है वही आएगा, ये हमारा है माइनस 16, ठीक है। अब उसके साथ भी निकालते हैं हम A3 माइनस A2, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो हर जगह आएगा ना भाई, एक जगह आएगा दूसरे जगह नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन नाम से ही लग रहा है कॉमन है। तो अब देखिए A3 कितना था हमारा 36 माइनस 48, अब 48 में से हम 36 माइनस करते हैं, देखिए 8 में सॉरी जी एक बार देखिए कि 36 में से हम 48 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 में से 6 गया कितना आया हमारा 2, 4 में से 3 गया 1, यहां आया हमारा 12। तो ये एपी है कि नहीं है, ये तो एपी है ही नहीं भाई, हमारा पहले कॉमन डिफरेंस 16 आया, अब 12 आ रहा है माइनस का, पहले माइनस 16, क्यों माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 48 बड़ा नंबर है, उसके साथ साइन क्या है माइनस, तो बड़े नंबर का साइन हमेशा आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो एपी है ही नहीं, क्यों नहीं है एपी, क्योंकि पहले हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया भाई माइनस 16, अगली बार क्या आया भाई माइनस 12, तो हो ही नहीं सकता ये एपी, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी, बड़ा बड़ा लिख देना टीचर देख लेगा, ठीक है। अब देख लो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन हो गया, आप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब देखिए एक मिनट, हाँ जी, अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने अपने गांव में कहीं ना कहीं कुआं तो देखा ही होगा, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा कि कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। अब ये कहना क्या चाहता है, डिगिंग का मतलब क्या होता है, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, क्या होता है खोदना। अब देखिए कह रहा है कि जो कुआं है उसको पहली बार खोदने के जो चार्ज कॉस्ट लग रहा है वो लग रहा है ₹150, कितना 150 रुपीज। कह रहा है कुआं खोदने के पहले जो पहला मीटर खोदेंगे तो 150 रुपीज हमारा कॉस्ट लग रहा है। मजदूर भाई बोले कि भाई मैं पहला मीटर खोदूंगा लेकिन उसका ₹150 चार्ज करूंगा, पहला मीटर खोदूंगा लेकिन ₹150 चार्ज करूंगा, फिर जो अगला मीटर खोदता जाऊंगा उसका ₹50 जोड़ता जाऊंगा। तो हमने बोला ठीक है भाई तू जैसा बोले, हम तो खुद खोद नहीं सकते इसलिए तेरे को बुलाया, तू ले पैसे कोई बात नहीं खोद दे। तो कह रहा है कि ठीक है भाई मैं ₹150 पहले मीटर खोदने का लूंगा, कुआं खोद रहे हैं, देखिए यहां पे लिखा है ना वेल मतलब कुआं, डिगिंग मतलब खोदना। अब देखिए अब ये खोद रहे हैं कुआं, ₹150 पहले मीटर का ले लिया इन्होंने, ठीक है। मजदूर भाई हमारा है, मजदूर भाई के मजे चल रहे हैं भाई, बहुत पैसा कमा रहे हैं हमारे मजदूर भाई। तो पहला उन्होंने ₹150 ले लिया, अब वो बोल रहे हैं 50-50 लेता जाऊंगा। तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा थर्ड पार्ट है ये, ध्यान से देखिए यार इतना प्यारा क्वेश्चन है मजदूर भाई के साथ हमारा, मजदूरों के साथ तो हम खुद ही एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, कह रहा है कि फर्स्ट मीटर जो वेल है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल फॉर फर्स्ट मीटर कितना ले रहा है ₹150 ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मजदूर भाई क्या बोले भाई आके कि भाई पहला मीटर खोदूंगा ₹150 तो लूंगा ही लूंगा, ₹150 तो मैं चार्ज करूंगा। हमने बोला ले ले भाई कोई बात नहीं, ठीक है।
दे दिए 150 रुपए, कह रहा भाई अब सेकंड मीटर खोदूंगा, सेकंड मीटर खोदूंगा जब तो 150 रुपए तो हमारे गई ही गई, 150 तो वो आई गई, प्लस 50 रुपए लूंगा सेकंड मीटर खोदने का। अब जितना भी खोदता जाऊंगा 50 रुपए 50 रुपए में जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए 50 रुपए दे दिए, अब थर्ड मीटर खोदेंगे। मजदूर भाई हमारे आए, मजदूर भाई ने बोला भाई थर्ड मीटर भी तो खुदवाना है तुमको, खोदूंगा ना। तो अब 200 रुपए हो चुका है उसके पास, ठीक है, ये 200 रुपए हो चुका है ना उसके पास। अब 50 रुपए थर्ड मीटर खोदने का ये दोबारा ले लेंगे। हमने बोला ठीक है भाई ले ले यार, तेरे लिए ही है ये काम। वो बोला ठीक है भाई मैंने ले लिया। तो कितना हो गया उसके पास टोटल रुपीज, अब सॉरी ये क्या हो गया हमारा 250 रुपीज, 250 रुपए कमा लिया हमारे, 250 रुपीज कमा लिया हमारे मजदूर भाई ने। अब देखिए अब फोर्थ मीटर जब खोदा तो 250 तो था ही, प्लस 50 रुपए दोबारा ले लिया, ये कितना हो गया उसके पास भाई मजदूर भाई के पास 300 रुपए हो गए। अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो ये क्या है, एक एपी बना रहा है। कैसे एपी बना, हम सीरीज में पहले लिखते हैं, हम चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या था हमारा, पहले उसने 150 रुपए लिए, फिर 50 रुपए ले लिए, ठीक है। तो ये कितना हो चुका था हमारा 200, ठीक है। तो फिर आया 200, फिर उसके पास हो गए मजदूर भाई के पास 250 रुपए, फिर हमें कुछ ना कुछ फिर 50 रुपए एक्स्ट्रा कर दिए तो 300 रुपए, ठीक है। और जितना खुदवाते चलेंगे उतना पैसा मजदूर भाई के पास जाते जाएंगे, हमारे पास से जाते जाएंगे, समझा ना। हमारे पास से पैसा कम हो रहा है, मजदूर भाई की जेब भरती जा रही है, जब भरती जा रही है। अब देखिए ये क्या एक एपी तो है, एपी ही तो है, कैसे पता लगाएंगे ये एपी है, कॉमन डिफरेंस से। किससे, कॉमन डिफरेंस से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे हम, देखिए कितना था हमारा A2 माइनस A1, तो A2 क्या था हमारा 200 माइनस A1 कितना है हमारा 150, कितना आया हमारा 50, कितना आया हमारा 50 कॉमन डिफरेंस आया। अगर हम अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है कि भैया पिछले क्वेश्चन में दो बार निकाला, इस बार एक ही निकाल के हमें बता दिया, नहीं भाई इसमें भी हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 कर लेते हैं, अगर इसमें भी भरोसा नहीं है आपको तो हम A4 माइनस A1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सॉरी A4 माइनस A3 कर लेते हैं। A4 कितना है हमारा 1 2 3 4 300 माइनस 250 A3 है हमारा, कितना आ गया ये भी 50। तो ये एपी है, ये तो एपी है, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, कितना है कॉमन डिफरेंस हमारा 50 50, हो गया हमारा क्वेश्चन, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और सिर्फ मार्क्स के लिए थोड़ी पढ़ना है यार, हमें तो कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, नॉलेज बढ़ानी है हमको। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ आया आपको, अगर इसमें क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रुपीज एट 8% पर एनम। अभी ये बोल रहा है, बात क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, मैं आपको इजी सी लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये कह रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी, एक कुछ अमाउंट है, कितना 10,000 रुपए है, वो जाके मैं डिपॉजिट करता हूं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने परसेंट पे, 8% पे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको आगे भी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि एक इंसान कितना पैसा कमा सकता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितना कमा सकता है। आगे पढ़िएगा, अभी तो आपकी इतनी एज भी नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें अभी भी पढ़ सकते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पैसा कैसे आता है ना भाई, बड़े बड़े लोग कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करके कैसे उसको दुगना तिगना चौगुना ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, वो यहीं से होता है, सारा कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल है। अगर आप कभी देखेंगे, आप यूट्यूब पे कभी सर्च कीजिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है असल में, तो आपको पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इससे कितना ज्यादा यार, मतलब कितना ज्यादा इंटरेस्ट कमाया जा सकता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है हमें इस पे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है, कितने 8% पर एनम पे, ठीक है, ये कह रहा है इतना किया हमने, और कह रहा है कि आप बताओ कि कितना रुपए आता जाएगा हमारे पास, ठीक है। कह रहे 10,000 का पहले 8% निकाल लो, ठीक है, 10,000 का हमने 8% निकाला, कैसे निकालते हैं 10,000 into 8 upon 100। अब देखिए
हम निकालिए, दो जीरो से दो जीरो हमारा कट गया, कितना बचा 100 मल्टीप्लाई 8, कितना आया हमारा ये 800। समझ आया आपको? ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये क्वेश्चन। अब देखो, अब क्या था, पहले हमने कितना इन्वेस्ट किया था, डिपॉजिट कितना किया था, 10,000 रुपए डिपॉजिट किया था। अब जो इंटरेस्ट आया फॉर फर्स्ट ईयर कितना आया, 10,000 प्लस कितना 800 रुपए, 800 रुपए कमाया कि नहीं कमाया भाई ने, 800 रुपए इंटरेस्ट आ गया। अब कितना आ गया, 10,800 इतना रुपए उसका हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, इस पे दोबारा नहीं निकालेंगे 8%, अब क्या निकालेंगे इस अमाउंट पे, किस अमाउंट पे, इस अमाउंट पे। यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, कि इस अमाउंट पे हम 8% निकालेंगे। तो 10,800 × 8% कैसे निकालते हैं, 8/100 को भी परसेंट, जैसे 5% निकालते तो 5/100 कर देते। अब देखिए, दो जीरो से दो जीरो गया, ठीक है, अब कितना बचा रहा हमारा 108 × 8, ठीक है। अब 108 को 8 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये आएगा हमारा 864, इतना रुपीज अगली बार कमाया, ठीक है। तो पिछली बार कितना पैसा था, कितना पैसा था, 10,800, 10,800। अब कितना रुपए आ गए दोबारा से, 864। अब देखिए, इनको अगर हम प्लस कर दें 10,800 और हम कर दें, तो प्लस कर दें हमारा 4, 6, 8, 8, 16, 1, ये कितना है हमारे 11,664 रुपए, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम इसको एक सीरीज में लिखते हैं, नंबर्स की सीरीज में लिखते हैं, तो पहले था हमारा 10,000 रुपए, फिर कितना हो गया 10,800, फिर कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 11,664 रुपए, ये हो गया। और ये जैसे बढ़ता चला जाएगा, अब इस पे निकालेंगे हम इंटरेस्ट, इस पे नहीं निकालेंगे, यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आया आपको? ये देखिए, ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, इसका कॉमन डिफरेंस निकाले A2 - A1, पहले में तो आ गया हमारा 10,800 - 10,000, A1 है हमारा, तो ये कितना आया 800, ठीक है, 800 हमारा आ चुका है। अब देखिए हम क्या करते हैं, A3 - A2 भी एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए, इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, समझ आ रहा है ना। अब देखिए, A3 - A2 एक बार करके देख लेता हूं मैं, A3 क्या है हमारा 11,664 माइनस A2 क्या है हमारा 10,800, ठीक है। अब मैं 11,664 में से 10,800 रुपए अगर मैं माइनस कर दूं, तो कितना आएगा हमारा ये 4, 6, 16 में से 8 गए 8, और ये हमारा हो गया 10 में से ये आएगा हमारा, एक मिनट, हाँ ये आ गया हमारा 864 रुपए। हाँ जी, तो पिछली बार क्या आया था हमारा 800, इस बार कितना है हमारा 864। पिछली बार हमें बढ़ा भी तो ऐसी था ना हमारा, पहले 800 रुपए से बढ़ा इंटरेस्ट, उसके बाद 864 रुपए से बढ़ा इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो एक एपी है ही नहीं, ये एक एपी है ही नहीं, कैसे पता चला हमें कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस भाई, एक बार अलग आ रहा है, दूसरी बार अलग आ रहा है, ये थोड़ी एपी है, एपी का तो रूल ही यही है, एपी की तो पहचान ही यही है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये एपी है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी, हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये समझ आ गया। अगर इस क्वेश्चन को लेके, इनमें से चारों क्वेश्चन को लेके कोई आपको डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखना, बहुत इजी है सेकंड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन से भी इजी है, जितना हमने अपना दिमाग खर्च किया फर्स्ट क्वेश्चन में, इतना हमें करना भी नहीं पड़ेगा, इतना इजी क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़िए,
क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन हमारा, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें क्या कह रहा है, कह रहा है हमने तुमको फर्स्ट टर्म दे रखा है ए, डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, कह रहा है पहली चार टर्म निकाल के दिखाओ। हमने बोला ठीक है भाई हम तो निकाल देंगे, हमारे लिए तो ये इजी है क्योंकि हम तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, हमें पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, क्या दे रखा है हमारा, ए दे रखा है 10 और डी दे रखा है हमारा 10, ठीक है। तो अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है हमारा, ए दे रखा है हमें 10 और डी भी दे रखा है हमें 10। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। अब देखिए जब भी हमें ए तो दे रखा है 10, अब देखिए हमें ए टू निकालना है, मैं ए टू अगर निकालना हो तो मैं उसको ए प्लस डी लिख सकता हूं, अगर फर्स्ट टर्म में मैं डी प्लस कर दूं तो सेकंड टर्म आ जाएगी, है ना। एपी की होता क्या है, एपी पहले हम लिख कैसे सकते हैं, एपी को ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं फर्स्ट टर्म को ए लिख सकता हूं, फिर सेकंड टर्म को ए प्लस डी लिख सकता हूं, थर्ड टर्म को ए प्लस टू डी लिख सकता हूं, ठीक है, फोर्थ टर्म को ए प्लस थ्री डी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लगता, और ये चलते रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, हमें क्या बतानी है, पहली चार टर्म बतानी है, पहली टर्म तो हमें दे रखी है, हमें चार टर्म और निकाल लेंगे हम, ठीक है, इन्हें पांच टर्म दे देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे, ए टू निकालने के लिए ए प्लस डी, ए कितना है 10, डी कितना है 10, तो कितना आ गया 20, ए टू आ गया हमारा। ए थ्री निकालते हैं, ए थ्री कैसे निकालते हैं, ए टू प्लस डी, ए टू कितना है हमारा, सॉरी ए टू दे रखा है हमारा, कितना निकाला अभी हमने 20, प्लस डी कितना दे रखा है हमें 10, तो कितना आ गया हमारा 30, ए थ्री भी आ गया हमारा। अब ए फोर निकालते हैं, ए फोर कैसे निकालेंगे, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना दे रखा है अभी तो निकाला हमने 30, प्लस डी कितना दे रखा है हमें 10, प्लस कर दिया कितना आ गया हमारा 40। ऐसे हम ए फाइव निकाल लेंगे, ठीक है, ए फाइव कैसे निकालेंगे, ए फोर प्लस डी, ए फोर कितना दे रखा है हमें अभी तो निकाला हमने, कितना निकाला 40, तो 40 प्लस डी, डी कितना दे रखा है हमें 10, तो हमने प्लस कर दिया इसको और ये आ गया हमारा 50। तो पहली चार टर्म हमने इन्हें निकाल के दे चुके हैं, तो ये क्या बन गया, एक एपी हमने बना के दे दिया इनको, क्या दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, और ये चलता रहेगा। हमने इन्होंने इतनी टर्म मांगी थी, हमने इतनी दे दी, जितना मांगा उतना दो यार, ज्यादा हमारे पास भी उतना टाइम नहीं है, है ना, और भी चीजें पढ़नी होती है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है हमारा फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो माइनस टू और जो डी दे रखा है हमारा जीरो है, ठीक है। ये बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं आपको समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखिए हमारा जो ए दे रखा है वो माइनस टू और डी दे रखा है हमारा जीरो, क्या बोल रहा है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जो ए दे रखा है वो माइनस टू और जो डी दे रखा है हमारा वो जीरो। देखिए बहुत बहुत ही थोड़ा बहुत आसान है और बहुत ही मजा आएगा। देखिए एक एपी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं एक एपी, मान लो मैंने एक एपी लेकर लिख रखा है 5 5 5 5 5 और ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं सर ये एपी है कि नहीं है, तो भाई ये एपी है, क्यों नहीं है एपी, इनका कॉमन डिफरेंस जीरो है, कैसे, ए टू माइनस ए वन करके देख लो कितना आया, ए टू कितना है 5 माइनस 5 कितना आया जीरो, ठीक है। अब देखिए ए थ्री माइनस ए टू करके देख लो कितना था 5 माइनस 5 कितना आया जीरो, तो भाई जीरो कॉमन डिफरेंस ही तो है तो कॉमन ही, तो ये इसमें भी सेम करेंगे हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे इस क्वेश्चन में कर देंगे। तो ये समझ आए आपको, अगर किसी का कॉमन डिफरेंस जीरो है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये हमसे होगा नहीं, क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। भाई यही क्वेश्चन सबसे आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है हमें, जैसे ए वन दे रखा है तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह ए टू निकालने, तो क्या करूंगा ए प्लस डी, तो ए कितना है माइनस टू प्लस जीरो, डी कितना है जीरो, तो कितना आ गया हमारा ये माइनस टू, वैसे ए थ्री ए टू प्लस डी, ए टू कितना है माइनस टू प्लस डी कितना है जीरो, तो कितना आ गया माइनस टू, ए फोर कितना दे रखा है, ए फोर निकालने के लिए ए थ्री प्लस डी, तो कितना आएगा ए थ्री हमारा माइनस टू प्लस डी कितना दे रखा है हमारे जीरो, तो कितना आया माइनस टू, तो हमारा एपी फॉर्म हो गया, ठीक है, एपी हमारा फॉर्म हो गया, जितनी टर्म मांगी हम उतनी टर्म दे देंगे, माइनस टू कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस
तो और ये चलता जाएगा, ये हमारा एपी हो गया, आंसर कंप्लीटेड। कितना आसान है पिछली वाले से भी आसान है कि नहीं। अब देखिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसके मतलब इसके अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा ए दे रखा है 4 और डी दे रखा है -3 और इसे सॉल्व कीजिए, पहले 4 टर्म बताइए, ठीक है। हम बता देंगे कि भाई हमें तो आता है, हमने तो पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सब कुछ आ जाता है। अब देखिए क्या दे रखा था हमें, एक मिनट, ए दे रखा है 4 और डी -3, ए दे रखा है 4 और डी दे रखा है हमें -3, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम, बहुत इजी है, आप खुद भी कर लेंगे एक बार, आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके, फिर मैं तो करा ही रहा हूं। अब देखिए सेम ए दे रखा है, A2 निकालना है तो A प्लस डी, A कितना है 4, D कितना है -3, ठीक है। अब देखिए 4 प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, तो -3 कितना आया हमारा 1, A2 आ गया हमारा 1, A2 कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी, इजी है कि नहीं है। अब देखिए A2 कितना है हमारा 1, अभी तो निकाला हमने 1 निकाला ना, ध्यान से देखो, अब देखो प्लस डी, डी कितना दे रखा है हमें -3, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 1 प्लस माइनस माइनस, तो -3, तो कितना आ गया हमारे ये -2, ठीक है। तो क्या आया ये हमारा A3 क्या आया -2। अब निकालेंगे हम A4, यहां कर देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, A4 निकालेंगे, A4 निकालने के लिए क्या होगा हमारा A3 प्लस डी। अब देखिए A3 कितना निकाला हमने -2, -2 आ गया प्लस डी, डी कितना है हमारा -3, ठीक है। अब देखिए -2 प्लस माइनस माइनस, तो -3, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये हमारा -5, 2 3 5 हो जाएंगे ना, 2 3 5, और माइनस माइनस का साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 हमारा बड़ा नंबर है, उसके साथ जो साइन है वही आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आता है। अब देखिए ये हो गया हमारा एपी बन चुका है, अब A5 भी निकाल देते हैं, जो इनकी चाहत है हम वो पूरी करेंगे, जो ये मांगेंगे क्वेश्चन में वो हम देंगे। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस डी, ठीक है। A4 कितना दे रखा है, अभी अभी तो निकाला ना भाई, कितना निकाला A4 कितना निकाला -5, -5 प्लस डी, डी कितना निकाला हमने, डी तो दे ही रखा है, निकाला थोड़ी है। अब देखिए -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3, तो ये कितना आ गया -8, A5 भी आ गया हमारा, तो इन हमारा एक एपी फॉर्म हो चुका है। क्या बना है हमारा एपी, पहले दे ही रखा था हमें, फर्स्ट टर्म तो दे रखी थी 4, फिर कितना आया 1, बनाया ना। अब देखिए थर्ड टर्म क्या आई हमारी -2, -2 फिर क्या आया हमारा A4 कितना आया -5, -5 फिर कितना आया हमारा -8, -8 और ऐसी ये -8 और ये ऐसे हमारा चलता रहेगा, ठीक है। एपी जो मांगा था उन्होंने वो हमने दे दिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम देखते हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पार्ट है इसमें, अब देखो कोई नहीं, हम वो भी कर लेंगे यार, हमारे लिए क्या मुश्किल है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए A1 क्या दे रखा है हमें, मतलब फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -1 और डी दे रखा है 1/2, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है ए हमें -1 और डी 1/2, ए क्या दे रखा है -1, ए दे रखा है हमें -1 और डी दे रखा है हमें 1/2, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट है ये हमारा, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसे भी सेम तरीके से हमारे पास एक ही आसान सा रूल है, क्या करेंगे हम A2 निकालने के लिए A+D करेंगे कि नहीं करेंगे, A+D, ठीक है। तो A कितना है हमारा -1 प्लस डी, डी कितना है 1/2, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, मैंने बताया था ना आपको 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये आ गया हमारा 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे -1 × 2 -2, 1 × 1 +1, नीचे 2 × 1 कितना आया 2, ये कितना हो गया -2 +1 कितना हुआ माइनस हो जाएगा ना, और माइनस का साइन, तो -1/2, ये आ गया हमारा क्या है हमारा -1/2, ये आ गया हमारा A2।
अब हम ए थ्री निकालते हैं, ए थ्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ए टू प्लस डी, समझ आ रहा है ना आपको, समझ आना चाहिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं। आप देखिए ए टू क्या है हमारा, अभी अभी हमने निकाला कितना, माइनस वन बाय टू निकाला कि नहीं निकाला, आप देखिए माइनस वन बाय टू प्लस डी कितना दे रखा है, वन बाय टू, और ये जाएगा हमारा प्लस से माइनस कट जाएगा सेम है, तो कितना आया हमारा ए थ्री जीरो, कितना है हमारा जीरो, कितना आसान है यार, अगर आप करना चाहें तो सब कुछ कितना आसान है, ध्यान से देखो। अब निकालूंगा मैं ए फोर, ठीक है, ए फोर निकालने के लिए क्या पड़ता है, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना है, ए थ्री कितना है, ए थ्री तो जीरो ही है, प्लस वन बाय टू, तो कितना आ गया हमारा ए फोर वन बाय टू, कितना आसान है, इससे आसान कुछ है क्या, बच्चे एक ही से डरते हैं बताना यार, इससे आसान मैंने चैप्टर नहीं देखा आज तक। अब देखो अब निकालेंगे ए फाइव, ए फाइव निकालने के लिए, ए फाइव निकालने के लिए करेंगे हम ए फोर प्लस डी, तो ए फोर कितना है हमारा वन बाय टू, प्लस डी कितना है हमारा वन बाय टू, अब देखिए क्या होगी, इसे सॉल्व कर देंगे हम, बेस सेम है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट हम प्लस कर देते हैं, आपने अगर बेसिक्स मैथ्स पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पढ़ी तो मैं किसी दिन एक वीडियो डाल दूंगा इसी डे बाय डे चैनल पे, आप ध्यान से देखना, ये क्या हो गया हमारा टू बाय टू, और टू से टू कट गया, कितना आया हमारा आंसर वन, तो हमारा ए फाइव भी आ गया, तो ये एपी बन चुका है हमारा, क्या एपी बना है ये हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ एपी, क्या था हमारा पहले माइनस वन, एपी है हमारा ये माइनस वन कॉमा, फिर ए टू कितना आया था हमारा माइनस वन बाय टू, फिर ए थ्री कितना आया था हमारा जीरो, फिर ए फोर वन बाय टू, फिर हमारा ए फाइव कितना आया वन, और ये ऐसे चलता रहेगा, जितना मांगा था उन्होंने उतना हमने दे दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये क्या बोल रहा है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस, अरे यार इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, आप खुद करिए यार ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद आना चाहिए, इसमें क्या बताना है, एपी दे रखा है, इसमें डी बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है, ए बताना है, ये भी नहीं होएगा तो क्या होएगा तुमसे, देखिए फिर भी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ, क्या दे रखा है हमें, थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री, थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री, क्या दे रखा है, थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री, ये हमें एपी दे रखी है, और उसमें बोला है हमें ए बताओ और हमें बोल रहा है डी बताओ, तो ए तो हमें थ्री दिखी रही है, फर्स्ट टर्म है, तो ए मैं लिख दूंगा थ्री, और डी निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा ए टू माइनस ए वन, समझ आया कि नहीं समझ आया, अरे यार ये भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, अभी तो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको, अब देखिए ए टू कितना है मेरा वन, माइनस ए वन कितना है मेरा थ्री, इसे मैं माइनस कर दूंगा, कितना आया माइनस टू, तो डी भी आ गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, माइनस एपी क्या दे रखा है हमें, माइनस फाइव माइनस वन थ्री सेवन, माइनस फाइव माइनस वन थ्री सेवन, क्या दे रखा हमें, माइनस फाइव माइनस वन और थ्री सेवन, ये हमें क्या दे रखा है एपी, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, कौन सा पार्ट है सेकंड पार्ट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, समझ नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है हमें माइनस फाइव, डायरेक्ट लिख देंगे डी निकाल देंगे हम, डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए टू माइनस ए वन, ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ए फोर माइनस ए थ्री भी कर सकते हैं, आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा से देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। अब देखिए ए टू कितना है हमारा माइनस वन, माइनस ए वन कितना है हमारा माइनस फाइव, माइनस फाइव, अब देखिए माइनस वन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फाइव, तो ये कितना आ गया हमारा फोर, तो डी भी हमने बता दिया, डी कितना आया हमारा फोर, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, वन बाय थ्री फाइव बाय थ्री नाइन बाय थ्री और थर्टीन बाय थ्री, वन फाइव नाइन थर्टीन,
क्या दे रखा है 15 9 13, ये हमें दे रखा है एक एपी और ये बोल रहे हैं हमें ए बता दो इसमें, अगर आप में दम है तो बताइए, ए बताइए डी बताइए, हम तो बता देंगे, हमें तो क्लियर है क्योंकि हम डे बाय डे क्लासेस पे पढ़ते हैं। ए हमें दे ही रखा है फर्स्ट टर्म, कितना 1/3, अब डी निकाल देंगे, डी निकालने की क्या करना पड़ता है, a2 - a1, समझ आ रहा है ना। देखिए ए टू क्या है हमारा 5/3 माइनस ए वन कितना है हमारा 1/3, ठीक है। अब नीचे तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि बेस सेम है 5 - 1, तो कितना आ गया 5 - 1 गया 4/3, तो कितना आ गया हमारा डी, डी भी लिख देंगे 4/3, समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 0.6 1.7 और 2.8 और 3.9, 0.6 1.7 0.6 1.7, नेक्स्ट क्या है 2.8 3.9 2.8 और 3.9, कोई साइन भी है क्या, ये भी देख लेते हैं हम, सब पॉजिटिव है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए इसमें सॉल्व करना ही क्या है यार, फर्स्ट टर्म बतानी है, डी बतानी है, ए कितना है हमारा 0.6, अब डी कितना है हमारा, डी दे रखा है हमें a2 - a1, निकालेंगे ना भाई, देखिए 1.7 - a1 कितना दे रखा है 0.6, अगर 1.7 में से 0.6 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा 1.1। इसमें हम a3 - a2 भी कर लेते हैं, देखिए a3 कितना दे रखा है हमें 2.8 - 1.7, अगर हम इसे माइनस करें तो ये दोबारा से आएगा हमारा 1.1, ये आ गया हमारा, देखिए मैं आपको करा के भी दिखा देता हूं, 1.1 कितना है 1.1, तो डी भी आ गया हमारा, ए भी बता दिया हमने, डी भी बता दिया हमने 1.1, ठीक है हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना यार, ये क्वेश्चन तो खुद कीजिए आप, सब मैं ही कर दूंगा, मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे क्या, खुद भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। अब देखो क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 more terms, क्या बोल रहा है, कह रहा है इनमें से बताइए हमारा ये एपी कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एपी ढूंढ लिया कि हाँ ये एपी है तो वो तो लिख बताइए, ठीक है हाँ ये एपी है, और उसके आगे अगले 3 term और बताइए। तो मैं इसमें आपको 2 questions करवा देता हूं, बाकी सारे आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 2, 4, 8, 6, ये दे रखा है हमें 2, 4, 8, 6, ये एपी दे रखी है हमें, और ये बोल रहे हैं हमें बताओ ये एपी है, मतलब एपी दे नहीं रखी है, ये तो हमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, अगर एपी है तो इसकी 3 term और बताओ आगे वाली, तो ठीक है हम बता देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे लिए तो इजी है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे, a2 - a1 कितना है 4 - 2 कितना आया 2, दोबारा डी निकाल लेंगे a3 - a2 3 - a2, ठीक है a3 कितना है हमारा 8 - 4 कितना आया, ये तो एपी है ही नहीं, 4, ये तो एपी है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो हमारा एपी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, और इसमें तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि पहला जो डी आया है हमारा वो आया है हमारा 2, और सेकंड जो डी आया है हमारा वो आया है 4, ठीक है समझ आया आपको, तो ये तो एपी है ही नहीं, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी, समझ आया आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो एपी निकला ही नहीं यार, मैं तो सोच के चल रहा था ये एपी निकलेगा, ये तो एपी है ही नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलिए यही करते हैं, 2.5/3, 3.7/2। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। अब देखिए इसमें हमें बताना है ये एपी है कि नहीं है, अगर एपी है तो इसकी 3 टाइम और बताइए। कि लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन खुद करेंगे और ये एक्सरसाइज दोबारा से रिवाइज करेंगे। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, अब तो आप यूज टू हो चुके होंगे यार, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेन मेक मैन परफेक्ट। अब देखिए क्या हमारा a2 5/2 - a1 कितना है हमारा 2। अब 5/2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 5 × 1 = 5, 2 × 2 - 4। अब 2 × 1 = 2, देखिए कितना हो गया हमारा, ये 5 में से 4 गया 1 / 2, ये हमारा गया कॉमन डिफरेंस। पर हम आगे भी चेक करना है, एक जगह d निकालना नहीं है हमें। अब मैं क्या करूंगा, a3 - a2 कर लूंगा। a3 कितना है मेरा 3 - 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, नीचे 2, कितना आया 1/2। ये तो ap निकला यार, ये तो ap निकला, ये ap है। तो इसके हमें क्या बतानी है, अगली 3 टर्म और बतानी है, अगली 3 टर्म और बतानी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, वही पहले आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए कितना आया हमारा d 1/2, इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे करना है। 3 टर्म कैसे निकालनी है, आगे हमें 4 टर्म तो दे ही रखी है, इजी है बहुत ही। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 4 टर्म तो दे रखी है, 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, 7th टर्म। अब 5th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a4 + d, सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो a4 कितना है 7/2, प्लस d कितना था 1/2, था कि नहीं था, अभी तो निकाला था ना हमने d 7/2। अब 2 तो नीचे बेस सेम है, बेस सेम है तो डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे, कितना आया 8/2, कितना आया हमारा 4, कितना आया 4। अब देखिए अब निकालेंगे हम 6 टर्म, 6 टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए, क्या करना पड़ता है, a5 + d, a5 कितना है हमारा, अभी तो निकाला यार, अभी तो निकाला ना हमने, क्या निकला है हमारा 4, ये देखिए 4 + d कितना है 1/2, ध्यान से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 × 2 = 8, प्लस 1 × 1 = 1, नीचे 2 × 1 = 2, कितना आया 9/2, तो कितना आया हमारा ये 9/2। अब क्या निकालेंगे 7 टर्म, 3 टर्म मांगी थी हमसे, 7 टर्म निकालने के लिए a6 + d, a6 कितना निकाला अभी अभी हमने, a6 निकाला ना ये 9/2, a6 निकाला है भाई। अब देखो a6 कितना है 9/2, प्लस d कितना है हमारा 1/2, कितना हो गया है बेस सेम है, 9 + 1 कितना हुआ 10/2, कितना आया 5, काट देंगे तो आंसर आया हमारा 5। तो ये क्या है हमारा 7 टर्म 5, समझ आया आपको। तो ये आज के लिए इतना बहुत है, आप पूरी एक्सरसाइज दोबारा कीजिएगा और इसके आगे के जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आप कंप्लीट कीजिए। तो थैंक यू, आज के लिए बहुत है इतना।